रीवा विश्वविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वान इन दिनों आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हां, वो अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर काफी वक्त से आंदोलनरत है। इसी के चलते उन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अतिथि विद्वान चाहते हैं अब जबकि विश्वविद्यालय की समन्वय समिति ने मानदेय भुगतान बढ़ाने का निर्णय कर लिया है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को भी उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस बारे में रीवा दर्शन ने कुलपति केएन यादव से विश्वविद्यालय का रुख जानने की कोशिश की। उनका कहना था दीक्षांत समारोह के बाद इस मसले को देखेंगे। वहीं रीवा दर्शन ने अतिथि विद्वानों से भी पूरे मसले पर बातचीत की। रीवा विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर लगातार कई महीनों से अनवरत अनशन पर हैं। कई बार उन्होंने अपनी मानदेय बढ़ाने की बात की, लेकिन हर बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी न किसी बहाने उनका निर्णय टाल दिया। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनका ये धरना प्रदर्शन चालू है, कब तक चालू है, समारोह है, उस पर की क्या प्रक्रिया होगी, कब तक आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या प्रमुख मांग है आपकी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम सभी इसी तरह रोज सुबह 9 बजे से आके बैठेंगे और धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। और हम सभी अगर 2 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी पे उतरेंगे, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है। इस संबंध में माननीय राज्यपाल जी ने भी आदेश दे दिया है और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी हम लोग मिले हैं। जीतू पटवारी जी ने भी नोट शीट पर लिख दिया है और उसकी भी यदि बात नहीं मानते हैं तो अब हम लोग अपने औकात में आ जाएंगे और हम लोग सीधे यहाँ पे तालाबंदी करेंगे और इसमें जो भी हानि होती है उसकी जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की। हम तालाबंदी करेंगे, हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, क्या कहेंगे आप? विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे पूरी करें। इस तरीके से हम लोग मांगते मांगते 6 महीने हो गए लगातार कुलपति जी से विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और कुलपति जी हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हैं। और अब ये है कि अब या तो वो मान लेंगे या आर्या पार, कुछ भी होगा इसमें, कुछ भी होगा। अब अतिथि विद्वान आर पार की लड़ाई के मूड में है, उनका कहना हमारी मांगे जायज। हमारी मांगे जायज है, मैं लगातार जुलाई महीने से अभी तक लगातार माननीय कुलपति जी को संवेदनशील मानते हुए कि हमारी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन माननीय कुलपति जी हम लोगों को ऐसा समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं, इनको हम ऐसी प्रकार मानते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन में ऐसा इतिहास में नहीं देखा होगा किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। हम लोग धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, हम लोग पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के जितने लोग काम कर रहे हैं हमारे अतिथि विद्वान साथी यहाँ आत्मदाह करने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई कदम नहीं बचेगा जो हम लोगों को भूख हड़ताल से लेकर के और विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद उड़ जाग जाए नींद में, उस प्रकार का ऐसा हर काम करेंगे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जू रख जाए। हम हर वो काम करेंगे जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन को परेशानी हो वो हमारी मांगे माने। माननीय कुलपति जी ने जैसा अभी कहा कि दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह का मतलब है कि जो छात्र दीक्षित होकर के शिक्षित होकर के दीक्षा लेंगे, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, वो डिग्री लेने आ रहे हैं। उस विद्यार्थी के पीछे जो सबसे बड़ा तबका इस विश्वविद्यालय में खड़ा है वो हम अतिथि विद्वान हैं। इस विश्वविद्यालय में एक भी क्लास अगर चलती है और जितनी भी क्लासेस चलती जितने भी भाग चलते हैं सब अतिथि विद्वानों का अध्यापन से चलती है। लगभग मैं ये कह सकता हूँ 99% क्लास हम लेते हैं, 1% की बात हम नहीं करते कि कोई रेगुलर शिक्षक लेता हो। इसके बाद भी विश्वविद्यालय की प्रथम इकाई कौन है, प्रथम इकाई विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उन छात्रों को सजाने संवारने का पढ़ाने का लिखाने का यह सारा दायित्व हमारे ऊपर है, हम भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। प्रशासन केवल इसलिए होता है कि वह केवल क्या करे, हिसाब किताब करे, लोक वित्त का नियंत्रण करे, केवल इसलिए प्रशासन बैठाया जाता है। लेकिन यह प्रशासन केवल इस बात पे उतारू है कि कितना ज़्यादा पैसा लगाया जाए निर्माण कार्यों में, कितना ज़्यादा पैसा लगाया जाए गुलदस्तों में, गमलों में, दीक्षांतों में, नैक में। आपको याद होगा नैक में हमारे विश्वविद्यालय का काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ, बी ग्रेड भी मिला और बी ग्रेड में कोई भी नैक का पैसा नहीं आया। आज स्थिति यह है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र फीस दे रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में जिनको हम पढ़ा रहे हैं, रोज हम छात्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और हम ही पीछे रह जाएं। और आपको एक बात और आश्चर्य की बात बता दूं कि 3.5 साल
कुलपति जी का कार्य है, कार्यकाल है, 3.5 साल में हम 300-400 रुपए से 275 रुपए हो गए। विश्वविद्यालय के इतिहास में अगर किसी ने वेतन मान घटाने का काम किया है तो वर्तमान कुलपति प्रोफेसर केहन सिंह यादव हैं। इसके पहले विश्वविद्यालय में सभी कुलपतियों ने केवल वेतन बढ़ाया है। वेतन मान घटाने का काम वर्तमान कुलपति ने किया है। अतिथि विद्वान चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। अपनी मांगे इस बार मनवा के रहेंगे। इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जागत अंसारी।